हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर न्यू विजन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लैपटॉप में ब्लूस्टैक को यूज करके व्हाट्सएप को चला सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप को यूज करके अपने लैपटॉप से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपली गूगल से ब्लूस्टैक सॉफ्टवेयर का एक सेटअप डाउनलोड करना है। सेटअप डाउनलोड करने के बाद जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एक परमिशन मांगेगा रन करने के लिए। तो दोस्तों, आपको सिंपली उस रन वाले बटन पर क्लिक करना है। जब आप रन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम ये आपका लेगा लोड होने के लिए, और जब वो एक बार लोड हो जाएगा तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो पॉपअप होगी। उसमें आप जब देखेंगे तो नीचे आपको इंस्टॉल नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है, और इंस्टॉल नाउ वाला प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, इसलिए मैं ये वाला प्रोसेस आपको थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके कितना टाइम लेगा वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड पर और इंटरनेट स्पीड पर भी, कहीं ना कहीं ये चीज़ मैटर करती है। तो दोस्तों, जब आपके सामने इंस्टॉलेशन कंप्लीट का एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके नीचे आपको दिखेगा, उसके बाद लॉन्च लिखा हुआ एक बटन आपको पॉपअप होगा। आपको सिंपली उस लॉन्च वाले बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जब आप लॉन्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो पॉपअप होगी। थोड़ा टाइम उसमें भी लगेगा, क्यों, क्योंकि वो दोबारा से आपका ब्लूस्टैक वाला जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज होके दोबारा ओपन होता है। ये सिर्फ उस टाइम पर होगा जब आप पहली बार इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये डायरेक्टली आपका रन करने लगेगा। तो दोस्तों, जब आप लॉन्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा अपने ब्लूस्टैक वाले सॉफ्टवेयर को ओपन होने के लिए। तो दोस्तों, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आपके लिए ये सॉफ्टवेयर किस किस चीज़ में फ़ायदेमंद होगा। तो अगर दोस्तों आप अपने पीसी में चाहते हैं कि जो ऐप्स आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं आप उनको अपने सिस्टम में भी यूज़ कर पाएँ, तो आप ब्लूस्टैक वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने उस पर लॉन्च पर क्लिक किया था तो थोड़ी देर में मैंने आपको बोला था कि वो ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद हमारा स्टार्टिंग ब्लूस्टैक प्लीज़ वेट का एक नोटिफिकेशन आ रहा है, और नीचे जो हमारा बार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसको खुलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके सिस्टम पर पूरा डिपेंड करता है कि कितना टाइम ये आपका लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपली वेट करना है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस वजह से मैं आपको ये वाला सीन जो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, जब ये मेरा ब्लूस्टैक अच्छे से चलने लगेगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें अपने मोबाइल वाले गेम्स और ऐप्स को सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा ब्लूस्टैक है वो इस तरीके से ओपन हुआ है। इसका लेआउट अगर आप कहीं ना कहीं मैच करेंगे तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स की तरह ही है। अब आपको करना क्या है, अब आपको बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने सीधा गूगल प्ले का एक ऑप्शन मांगेगा, जिसमें वो बोलेगा साइन इन और आई विल डू इट लेटर। तो दोस्तों, आपको अपने जीमेल अकाउंट से इसमें साइन इन करना है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाली चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फेक है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिस वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होगी। तो सिंपली जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक प्ले स्टोर का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको फिर से साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन वो खुलेगा जिसमें आपको अपनी जीमेल आईडी को डालना है। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अच्छा रखिएगा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अगर अच्छी होगी तो आपके ये सारे प्रोसेसेस भी थोड़े जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे और आप अपना ब्लूस्टैक वाला सॉफ्टवेयर जल्दी से और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो मैं जल्दी से आपको इसमें अपनी ईमेल आईडी डाल के दिखा देता हूँ। मैंने इसमें अब अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, और इसके बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना इसमें पासवर्ड डालना होगा, और उसके बाद जब आप सिंपली साइन इन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो ब्लूस्टैक है वो अब यूज़ करने के लिए तैयार है।